वो केरला से दूर से है इसलिए उनको हमारी तरफ से एक नेक्स्ट टॉपर की टी शर्ट। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा नेक्स्ट टॉपर्स की टीम का पार्ट हो, क्योंकि आप हो तो हम है। तो शुरुआत एक से कर रहे हैं, प्रयास पूरा रहेगा कि हर एक तक पहुंचे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर का टीम नेक्स्ट टॉपर बुला रहे हैं। ऑटोग्राफ दे दीजिए, ऑटोग्राफ धीराज सर, मेरी तरफ से भी कर दो धीराज सर, तुम्हारा बैंक संभाल के रखना। फिर चलो ठीक है, फिर रिश्तेदारी। आई एम लिटरली क्राइंग गाइस। अरे यार, ये गाने कौन कौन से, कैसे हुआ, ये कौन से गाने चलवा रहे थे यार तुम? बड़े रोमांटिक हो रहे थे यार। पापा मम्मी के साथ कैसे हुआ, ये गाने कौन चला रहा था यार? मेरा प्यार यार, यहाँ गाने चल रहे थे, कैसा होगा वहाँ पर? पापा घर में बैठ के पूछ रहे होंगे, इस शो में ले आया था तू? अरे राजीव भाई, वो फोटो कौन से दिखाई थी यार हमें? हमें तो दिखाओ फोटो, बचपन की फोटो चला रहे थी। राजीव भाई एक बार चलो, वो कहाँ है? राजीव सर प्रशांत भैया के दोस्त, वही है ना राजीव नाम उन्हीं का तो है। क्या बात है, बेइज्जती नहीं करवाई, क्या बात है, इसको इसको ले ले लगे। अबे ये कौन है? शोभित भैया, शोभित भैया ये। तो ये शोभित भैया है, पहचान तो ये शोभित भैया, शोभित भैया। अरे शोभित भैया, शोभित भैया। अच्छा एक एक काम करते हैं, ये बताओ इसमें शोभित भैया कितने साल के होंगे? तीन साल, तीन साल। वो पीछे मेरे चाचा भी हैं, अभी वो शायद आए हैं नहीं आए हैं, मेरे को नहीं पता। आए हैं चाचा के, चाचा जी भी होंगे। चाचा जी भी आए हैं, वाह यार इनके पेरेंट्स आए हैं। बाय बाय यार, मुझे तीन और पांच में से लग रहा था। शोभित भैया पहले तो बहुत क्यूट थे यार, अभी भी है यार, ऐसा तो नहीं है। ये चाचा की शादी के टाइम था, तो जब मेरे को खाना वाना मिल गया था, मेरे को बैठ के गोदी पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाओ, who's next on the screen? सर को खुद ही नहीं पता। मुझे नहीं पता, मम्मी होगी मेरी यहाँ पर, मम्मी बताएंगी। मम्मी भी है? बता दो यार, प्रशांत भैया की मम्मी भी है। एक बार माइक में आप लोग गेस करो, पहले कितने साल पे थे? दो साल, दो से तीन। दो, दो से तीन। कितने साल की मम्मी बताओ? वो प्रशांत भैया की मम्मी है, वो देख वहाँ पे खड़ी, वहाँ पे है।
आंटी वहाँ पे कहीं है और ये रही स्क्रीन पे। भैया गूगल पे आपकी एज 28 आती है, सुनो मेरी बात, गूगल पे सर्च कर लेना जिसने भी बोला, पर आप देखने में लगते नहीं हो। मेरे बस में आओ, तुम्हारे घर चलो। अभी थोड़ी देर में तो ओके आई गेस इधर आ जाओ। क्या कर दूं बाकी शादी कब करवानी चाहिए? मेरे को तो स्टेज पे आने की बात करी थी, मैं जा रहा हूँ। ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था। अब क्या आंटी भी वही है इसलिए रखवा रखी का पीछे। हाँ और क्या करवा दोगे? नहीं देखिए पहले शादी किसकी होगी बताओ। विक्रांत सर सबको पता है, सबको पता है अभी 11 में जाना पड़ रहा है। ये पहली अच्छा लग रहा है विक्रांत सर की शादी के लिए। यस डन कर दे, यही का डेट बता दो, यही करेंगे, सबको बुलाएंगे, स्टेडियम से करेंगे लाइव स्ट्रीम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट्स बीन आई गेस 6 months और उससे ज्यादा हो गए नेक्स्ट टॉपर्स को बने हुए। एक्सपेक्ट में आप जैसे देखेंगे तो पहले एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अच्छे टीचर्स हैं लेकिन कोई एक जगह, कोई दूसरी जगह, कोई तीसरी जगह। वॉट वी ट्राई कि हमने ये प्रयास किया कि एक जैसे इंटेंट वाले टीचर्स जिनका मोटिव एक हो कि वो बच्चे पढ़ाई और सक्सेस इस चीज पे फोकस करें, उस इंटेंट के साथ में प्रशांत ने इनिशिएटिव लिया, शोभित भैया आपके उनके साथ ज्वाइन करें, मैं भी उनके साथ जुड़ा और इस तरह से नेक्स्ट टॉपर्स बना। ये नेक्स्ट टॉपर्स के बनने की छोटी सी कहानी थी, विस्तार में अभी और बताएंगे। लेकिन उसके बाद में इतना समय और मतलब जितना कम समय में जितना ज्यादा प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, तो 6 महीने में इतने प्यार जो हमें मिल रहा है वो बहुत ज्यादा, तो उस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और इस मोमेंट को हम यूज करना चाहेंगे आप सबको थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मजा मजा बहुत चलता रहेगा, बट इतने बच्चे देख के हम जितने इमोशनल है अंदर से अभी वो बस हो गया। हेलो शोभित भैया आगे की मिमिक्री करते हुए इतने प्यार से पढ़ाते थे बच्चों को मजा आ जाता है। एक बार हो जाए, अरे कोई नहीं भैया प्लीज आगे की आवाज निकालो, एक बार हो जाए तो ये एक्स की वैल्यू है। और यार देखो एकदम ऐसे तो पीएल प्रेशर दे मेरे पर परफॉर्मेंस प्रेशर आ रहा है। करो ये होगी की आवाज थी मेरे से कोई पूछ रहा था एक्स की क्या वैल्यू है, मैंने कहा अगर एक्स की वैल्यू होती तो एक्स होती। बस यार इतना ही बोल पाऊंगा, इससे ज्यादा मम्मी पापा डांट देंगे। नहीं डांटेंगे, तेरे पीछे बैठे हैं। पीछे बैठे तेरे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट बताओ प्रशांत भाई की शायद हमारी कौन सी सुनोगे चाहिए? पीछे मम्मी बैठी है वाली। तुम कौन सी क्लास में बताओ? सेकंड। वीडियो देखी है? शायरी याद है? कौन सी याद है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी।
तो कमातो सुनाई थी उसने शायरी चलो कौन सी सुनाए पीछे मम्मी बैठी है दिल टूटे आशिक के लिए पीछे मम्मी बैठी है तो रहेंगे दिल ने ये कहा है दिल से दिल ने ये कहा है दिल से जो सवाल ये एक पार्ट ऑफ लर्निंग है ट्रेडिशनली सिर्फ पढ़ाई से शायद बच्चा भाग रहा था अगर क्यों ना हम पढ़ाई को ही मजे बना दें तो बच्चा क्यों भागेगा ये हमारा थॉट है पेरेंट्स के लिए जो शायद हमें पहली बार सुन रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो हमारी टीम ने कुछ वीडियोस प्लान किए और वो हमारी टीम ने प्लान किए हैं लेकिन बनाते यही बच्चे हैं कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की एडिट पूरा इंस्टाग्राम पूरा यूट्यूब पढ़ाई के अलावा वो एडिट्स तो वो एक फन पार्ट है तो वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे लाएंगे शुरू कर दे यहाँ से अरे शोभित भैया अरे ये कौन कौन दोस्त है अगर ये मान लो चार है तो ये मतलब ये दो है तो ये भी दो ठीक है अब इनका एरिया का रेशियो क्या होगा एरिया का रेशियो कोई ऑप्शन नहीं रहता तुक्के के अलावा ठीक है अरे सर बहुत क्वेश्चन करो अगले दीपक निगरा के साथ जाना चाहेंगे यार मेरी आवाज जा भी रही होगी क्या हो रहा है सर यार इनफैक्ट मैं आपको चीज बताता हूँ जिस लोगों को समझ में नहीं आया हमारा एक थंब रूल है वो क्या है डिफॉल्ट तो उसमें ये होता है सिंपल मैथमेटिक्स से मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर सही होगा तो उसकी 25% पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है सही होने की तो उस 25% प्रोबेबिलिटी पे हमारे कभी कभी सवाल सही हो जाते हैं और इस वीडियो में वही हुआ है दिग्राज सर ने बोला है D4 दिग्राज अब जितने भी मम्मी पापा बैठे अगर आपका बच्चा फेल हो तो और अब क्या करते हैं कि अब हमारी तुक्का स्ट्रेटेजी का यूज लेते हैं पेपर में पहले एन की वैल्यू 5 था ये ना पता है भैया ने जैसे सॉल्व किया मैंने भी वैसे सॉल्व करा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं था तो भाई मेरे इतने सारे लेक्चर अभय बैच के बच्चे हुए थे ना सारे बैकलॉग में पड़े हुए थे कीबोर्ड की वजह से टीम नेक्स्ट टॉपर सर मुझे मम्मी पापा भी आए वही तो वहाँ पे बैठे हैं सारे मम्मी पापा इकरार सर का ओपन चैलेंज और सारे लोग एग्जाम के बाद में ये बोल रहे थे कि हम तीनों ने मिलकर सीबीएसई के साथ में कोई क्या सेटिंग करके रखी है हमें पेपर कैसे पता चल जाता है पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है द पॉइंट इज कि जब आप एक ही चीज को इतने साल से पढ़ा रहे होते हैं ना आप पढ़ोगे तो आप भी मेरी जगह खड़े हो जाओगे टीचर बन जाओगे तो पॉइंट ये रहता है कि एक टीचर अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि एग्जाम कैसे चल रहा है तो टीचर अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है और उसी कॉन्फिडेंस में हम हमेशा कहते हैं क्या कि जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा आएगा और ये एग्जाम से पहले की क्लिप है और एग्जाम के बाद का प्रमाण इस वीडियो के बाद आप लोग दोगे लेकिन 500 साल तो ऑनलाइन है ऑफलाइन पढ़ाते 8 साल जिनके 50 क्वेश्चन दे दूंगा और शर्त के साथ कह सकता हूँ कि वो 50 क्वेश्चन में से पेपर आ रहा है ये वीडियो देखो तुम ये कौन है सर एक डांस ऐसा ही ठीक
मेरे साथ धोखा हुआ इन लोगों के द्वारा, ये मेरी डांस की क्लिप इन्होंने वायरल करी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब एआई से बना है, झूठ है ये। ये जान पूछ के लिखा ना कि ब्लर ब्लर ब्लर, रुको रुको तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे लिए रुको मैं दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखो तुम्हारे लिए, अगर किसने लिखा तो लाइक क्या कर रहे हो, देखो हुआ क्या था कि ये ब्लर 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 कमेंट करे जा रहे थे, तो मैंने एक तो बार टीम से बात करके पूछा ब्लर हो रहा है, सबने बोला नहीं हो रहा, फिर भी नहीं रुक रहे थे, तो मैंने फिर इनको थोड़ी एक चेतावनी दी कि ऐसा हो सकता है, पाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मैं तो डरता हूँ भाई, ले लेंगे अभी ले, सारे गिफ्ट वगैरह जो सब ले लेंगे हम, तुम्हें घर वापस नहीं ले जाने देंगे, थोड़ा सा टेंशन रखो सर, वो फोटो कैसे प्रूफ करें, उसको बुला दो ले लो यार, वो बच्चे को बुला आ जाओ जल्दी जल्दी, मेरे पास बहुत सारी चीजें और भी, अभी कौन बनाता है ऐसे खतरनाक एडिट्स, और तुम दिख रहे हैं यहाँ देखो, हाथ भी पीछे से दिख रहे हैं, बैक बेंचर्स हैं भाई, मैंने एक ही बनाया, आ जाओ आ जाओ, कौन सी क्लास में, 11th में अभी रिजल्ट टाइम, ये अब लड़ाई हम तीनों होगी, किसको रखेगा कौन, तुम बताओ कौन रखेगा, नेक्स्ट ओवर के ऑफिस में रखा जाएगा, ऑफिस में रखा जाएगा, ऑफिस में रखा जाएगा, ऑफिस भी तो होना चाहिए उसके लिए, शोभित का घर ही हमारा ऑफिस है, दिल्ली में शोभित भैया का घर हमारा ऑफिस है, ठीक है, यार हमें भूल लेते यार, कितना अच्छा यार, मैं कर लेती पर एड्रेस कर, एड्रेस मैं ले दूंगा, हमारा एड्रेस ले चुका मैं, वगैरह सब कुछ ले लेंगे हम, एक एक से ले लेंगे, यार मुझे मुझे भी वही अगर मैं सुने बस एक बार हमारा शुरुआत ही हो जाए, दो बाउंसर इनके साथ पहुंचाना, चलो वापस जाएं, बाय, मेरी इतनी थी एडिट राजीव, देखो आप लोग कंफर्टेबल हो, अब हंसी मजाक बहुत हो गया, हम लोग इस इवेंट को शुरू करने के बाद ये चाह रहे थे कि मतलब हमें नहीं समझ आ रहा था कि बच्चे कैसे, अभी मतलब नहीं कर रहे अभी, अरे ये वीडियो तो चलनी चाहिए, चलो चलो चलो, ये तो मैंने भी देखी है, जरूरी है सभी, उस दिन तुम ठीक है, क्या हो गया भैया ने ऐसे क्या बोल दिया, जो शोभित ने राजीव को पैसे दिए क्या, आवाज क्या क्या आपको पैसे दिए गए इसका आवाज बंद करने के लिए, कैसे जनता जानना चाहती है, अरे बताओ बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, अरे बताओ बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, बताओ बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, 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 सोचो सोचो 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 कैसे प्रूफ करेंगे, अरे बताओ बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, अरे बताओ बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, बताओ बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें क्या हुआ था, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत चांसेस रहते हैं आने की, तो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था, और मैं बता रहा था देखो ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा, तो मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं, बताओ क्या होगा, तो ऐसे रिपीट करता था, ये वाला क्वेश्चन आखिरकार ये प्रूव हुआ था कि नहीं, आखिरकार प्रूव हुआ था कि नहीं, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, आखिर में हुआ हो गया, चलो नेक्स्ट करो, क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट और क्या है, और
आइडिया बता रहे हैं और मोदी जी कहते हैं यार बस मेरी मोदी जी घर से उठा लेंगे मेरे को एक दिन यार मेरा एडिट कंटेक्स्ट तो बता दो पेपर जो था वो सुबह की क्लास थी सुबह कितने स्टूडेंट्स ने क्लास ली थी वो फोन मिला दिया था बोल दिया था मोदी जी से बात कर रहा हूँ पेपर तुम्हारा लीक करवा देता हूँ उसमें इनको चार टॉपिक दिए वो चारों टॉपिक इनके पेपर सर ने सुबह बोला थी रात वाली क्लास क्या माना जाए सस्ता है झूठ का झूठ सच भी है तो बताऊंगा थोड़ी ना इनको हम चाहते हैं कि ये इवेंट चलता रहे सर नेहा सुनैना से क्या दुश्मनी है आपकी ओके एवरीवन चले गए तो इस बच्चों को यही समाप्त कर दें नहीं तो अब आप क्या चाहते हो अरे चले अरे मिलके तो गए अभी आप लोग कब से चिल्ला रहे थे मिलके वापस बुलाओ ऐसे कैसे चलेगा मतलब अभी तो मिलकर गए वो देखो बाय भी कर रहे हैं ठीक है ओके ठीक अभी यार देखो टाइम भी हो गया अभी तो क्या टाइम हो गया 3:05 तक का था इवेंट गलत बात है आप लोग क्या चाहते हो बुलाए नहीं बुलाए क्या करना चाहते बुलाओ यहाँ से बुलाओ देखो जितना मुझे पता है कि अभी तक बहुत सारे आए आप लोगों से बातें किया शोभित भैया ने बातें की प्रशांत भैया ने बातें की और दिग्राज सर ने भी आप सभी से बातें तो की लेकिन इसमें आप लोगों ने भी इनपुट दिए कुछ उन्होंने अपनी बातें शेयर की और मिलकर तो हमने बहुत सारे क्लिप्स देखे जो बड़े लगे थे लेकिन ऐसा कुछ करते हैं कि जिसमें आपके साथ वो वन टू वन कॉन्वर्सेशन है यस हाँ यस पक्का यस वहां से जो लोग हैं उनको चलेगा सिर्फ वो लोग आंसर देंगे यहाँ वाले और इस साइड वाले ठीक है चलो यार बुलाते हैं लेकिन ऐसे कैसे बुला ले इतना ठंडा ठंडा बुलाएंगे तो अभी इतना एनर्जी वो लोग फिलअप करके गए मैं चाहता हूं आप सारे मिलकर इस बार दिल से चिल्लाएं जोर से चिल्लाएं बिल्कुल बिल्कुल पक्का बिल्कुल तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से एक बार खड़े होकर चिल्लाओ तो आप खड़े हो जाओगे बिल्कुल हो जाओ तो फिर यहां से अच्छा सबसे पहले तो यार किनको बुलाना है सीट पर शोभित भैया शोभित भैया को बुलाएं शोभित भैया यहाँ पर यहाँ पे बुलाए एनी एनिमल को बुलाते हैं यहाँ पर ठीक है पक्का एवरीवन को बुला ले अब आपकी आवाज ये बात है वो अकेले आएंगे अगर आप लोग ने दिल से चिल्लाया तो वैसे लास्ट टाइम वहां से आए थे इस बार कहां से आएंगे वो तो मुझे नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि अकेले आएंगे और वो तभी आएंगे जब हम सभी मिलकर उनके लिए शोर मचाएंगे प्रशांत भैया प्रशांत भैया प्रशांत भैया सारे खड़े होकर चिल्लाओ अगर कोई भी बैठा हुआ दिखा अगर आवाज नहीं आई तो वो यहाँ पर नहीं आई एवरीवन टुगेदर वन मोर टाइम प्रशांत भैया प्रशांत टुगेदर वन मोर टाइम प्रशांत भैया और ढेर सारी दिल खोलकर तालियां बजाओ प्रशांत भैया के लिए प्रशांत भैया यार बनाते रहे ना सो सबसे पहले एक सवाल बिल्कुल सोच मीटर कैसा है सबका पहले तो ये बात बहुत बढ़िया इन्फिनिटी तक सबको हेलो 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 बहुत अच्छा लग रहा है आप
सभी से आज मिलके आप बैठ जाइए, सब सीट्स पे बैठ जाइए, सब एक बार अपनी सीट पे बैठ जाइए। ठीक है, बस मिनट मुझे आपसे थोड़ी बहुत बात करनी है, उसके बाद आगे और भी सब बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं कोई मोटिवेशनल सेमिनार करूं, तुम वैसे भी बहुत मोटिवेशन देख चुके हो, यूट्यूब पे देख चुके हो ना, यस सर, बहुत बढ़िया। तो आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाए सर, कहानी सुनाए सुनाए, यस सर। तो ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, जिसका नाम चिंटू लाल है। चिंटू लाल को कौन कौन जानता है भाई, ये बात। तो जिनको नहीं पता, उन्होंने अगर मेरे लेक्चर नहीं देखे तभी उनको नहीं पता होगा, लेक्चर देखे तो चिंटू लाल की कहानी सबको पता है। चिंटू लाल मिंटू लाल और उसकी लगता था कि जो चिंटू लाल है ना वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, बट आज मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी पूरी कहानी कि चिंटू लाल आखिर है कौन। तो चिंटू लाल, अरे मेरी कहानी नहीं है, पूरा सुन लो। चिंटू लाल मेरा एक दोस्त, जिसका नाम प्यार से हम उसको चिंटू बुलाया करते थे। आज उसकी कहानी पूरी सुनाने वाला हूँ। चिंटू ना अपने गांव से एक शहर के अंदर आया अपने माता पिता को छोड़कर, क्यों, क्योंकि उसके गांव के अंदर अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो उसकी वजह से वो आता है शहर के अंदर हमारे स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए, और वो हॉस्टल के अंदर रहता था। ठीक है, अब चिंटू जो था ना वो उन लोगों में से था, वो आपका एक दोस्त होता है ना, पता ना, वो जो आपका एक दोस्त होता है जो कि एग्जाम से एक दिन पहले फोन करके पूछता है, भाई साइंस का सिलेबस बता देगा, और तुम रिप्लाई करते हो कि भाई कल पेपर तो मैथ का है, साइंस क्या कर रहा है। होते ना ऐसे, होते ना ऐसे कुछ दोस्त। नहीं, तो चिंटू यार ऐसा ही मेरा एक दोस्त था। अब देखो चिंटू और मेरी दोस्ती बहुत गहरी थी, और बॉयज के अंदर ना एक अनसेट रूल होता है, जैसे कि एक किस्सा आपको सुनाता हूँ स्कूल के अंदर का। जैसे मान लो मुझे क्लास से उठ के वॉशरूम में जाना है और मुझे तीन दोस्तों को लेके जाना है, तो मैं बोलूंगा नहीं कि वॉशरूम चलते हैं, नहीं मैं देखूंगा, और तीनों खड़े होते हैं और तीनों चले जाते हैं। और सोचने की बात तो ये है कि उन तीनों को वॉशरूम जाना भी नहीं था, बट वो गए, क्यों, क्योंकि भाई ने बोला था करने का है ना। तो ऐसा कुछ हमारा चिंटू लाल था। अब चिंटू लाल की इंग्लिश जो थी ना वो थी गॉड लेवल, एक होता है सुप्रीम लेवल, एक होता है गॉड लेवल, उसकी थी गॉड लेवल। अब उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, मतलब ऑब्वियसली बात है इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, बट उसको एक बार स्कूल के अंदर एक महबूबा पसंद आ जाती है। ठीक है मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स आए, टेंशन मत लो, ऊपर से बता रहा हूँ, सुनो, उसको एक महबूबा पसंद आ जाती है। ठीक है, अब उसमें ईगो था चिंटू के अंदर, चिंटू को बात तो इंग्लिश में करनी थी पर चिंटू को बात इंग्लिश में करनी आती नहीं थी। चिंटू गया महबूबा के पास और बोलता है, हाय 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 मी चिंटू, वी टॉक टुमारो, यस आई सी यू देयर। अब वो महबूबा मुड़ती हैं, वो समझ जाती हैं कि भैया इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो महबूबा बड़े ही कठोर शब्दों के अंदर रिप्लाई करती हैं कि बात तो मैं कर लूं बट तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो अब क्या होता है कि चिंटू बेचारा उदास, ठीक है आगे बढ़ जाता है जिंदगी के अंदर, बट मैं बात कर रहा था चिंटू की गॉड लेवल इंग्लिश की। तो पता है चिंटू की इंग्लिश इतनी गॉड लेवल थी कि चिंटू, पता है चिंटू के जो फेवरेट टीचर थे वो स्कूल के अंदर कौन थे, गैस कर सकते हो, वो थे पीटी टीचर। क्यों, क्योंकि पीटी टीचर और चिंटू की इंग्लिश मैच करती थी। सुनो, तो एक बार हम क्लास के अंदर बैठे थे, और क्लास के अंदर हम बैठ के क्या देखते हैं कि यहाँ चिंटू है, यहाँ पर हमारे पीटी टीचर है, दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रही है, वो भी कोड लैंग्वेज के अंदर, वो दोनों ही समझ पा रहे हैं। सर नो आई डोंट गो वॉशरूम, आई हेयर ओनली कम देन देयर, वहां से पीटी सर रिप्लाई कर रहे हैं व्हाई यू गो देयर, कम हेयर एंड देन सिट देयर एंड देयर। तो उनकी जो इंग्लिश थी वो ही समझ पा रहे थे। अब देखो चिंटू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो एक बार क्या होता है एग्जाम हॉल के अंदर मैं आगे बैठा था, चिंटू पीछे बैठा था। अब चिंटू ने बोला कि भाई पेपर मुझे नहीं आता, थोड़ा बता दे। अब यार भाई ने बोला,
करने का। यार मैंने भी सोचा ठीक है यार, भाई बोल रहा है तो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपनी आंसर शीट ली और साइड में रख दी, मैंने कहा देख ले। अब हद तो तब हो गई जब चिंटू ने क्या किया कि मेरी आंसर शीट उठाई, खुद की आंसर शीट उठाई, अपनी मेरी पे रखी, मेरी अपने पे रखी और बोलता है भाई मेरे भी लिख दे यार। अब यार यहाँ फंस गए, पर फिर वही बात, भाई ने बोला करने का तो ठीक है, अब लिख दिया आंसर शीट। वहां तक भी सब सही चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट दिक्कत मुझे उस दिन हुई जिस दिन उस पेपर के एग्जाम का रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट ऐसा था मेरे 70 चिंटू के 85। अबे बात बताओ, मैं सोच रहा है दोनों पेपर मैंने लिखे हैं, ये कैसे हो गया। फिर मुझे एक दिन पता चला कि जो आंसर कॉपी थी वो भी तो पीटी टीचर ने चेक करी थी, फिर तो होना ही था। ठीक है, तो ये चिंटू की कुछ कहानी है। आप देखो एक चीज तुमने कभी नोट करी है, चिंटू मेरा इतना अच्छा दोस्त था, बट आज भी मैं देखता हूँ ना तो मुश्किल से मेरे साथ उसकी एक या दो फोटोज होंगी। आपके जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना उनके साथ आपकी फोटोज कितनी कम होती है, नोट करा है किसी ने? नोट करा है? करा है? करा है? करा है? करा है? तो मतलब एक चीज मैंने नोट करी कि हाँ यार, मतलब जो आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ ऑब्वियसली बात है आपकी फोटोज बहुत कम होती हैं, बट मेमोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। और जो आज आपके दोस्त आपके साथ आए हैं उनकी मेमोरीज आपको बाद में जब आप कॉलेज में चले जाओगे ना दोस्त, बहुत याद आएंगी। अब देखो इधर भी आप चिंटू की कहानी समझ पाए। चिंटू था एक नटखट इंसान जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था, मजे करता था, अपनी जिंदगी खुशहाल जीता था। बट एक कहावत है ना कि जब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा जा रहा हो तो समझ लेना कुछ बुरा भी होने वाला है। अब एक ऐसा हादसा हुआ चिंटू के साथ जिसने कहीं ना कहीं उसकी और मेरी और भी कई लोगों की जिंदगी बदल दी। एक दिन कॉल आता है उसके गांव से और चिंटू को ये पता चलता है कि जो उसके पिताजी थे, जो उसके पापा थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये सुन के चिंटू बहुत टूट जाता है। और पता है पिता की अहमियत उस दिन समझ आती है जिस दिन वो आपके साथ नहीं होते। उससे पहले हमें फर्क नहीं पड़ता, बट उस दिन एक्चुअल मतलब समझ आता है। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी थी कि एक छोटा लड़का अपने पापा से बार बार जिद कर रहा है, पापा मुझे ना मेला जाना है, पापा मुझे मेले में जाना है, पापा मुझे मेले में जाना है। उसके पापा बोल रहे हैं नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले जा रहा तुझे मेले में। वो बार बार जिद करता है तो उसके पापा ने बोला ठीक है यार तुझे मेले में ले जाता हूँ, बट तुझे कुछ दिलाऊंगा नहीं वहां पर। अब वो चले तो जाते हैं मेले के अंदर। जब वो छोटा बच्चा और लोगों को देखता है, कोई अलग अलग टॉयज ले रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो वो भी जिद करने लगता है पापा मुझे भी आइसक्रीम खिलाओ, पापा मुझे भी टॉयज दो, पापा मुझे भी ये करो। उसके पापा उससे बार बार मना करते हैं। अंदर से तो वो भी चाहते हैं दिलाना पर शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते आज के समय पर। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, मेले के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है जिससे कि वो जो हाथ था उस बाप का उस बेटे से छूट जाता है, वो बेटा खो जाता है उस भीड़ के अंदर। वो जोर जोर से रोने लगता है और उसके बाद इंग्लिश लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा कुछ इंग्लिश बेटा चुप हो जा आइसक्रीम खा बेटा चुप हो जा बेटा चुप हो जा झूला झूल ले। वो सबको मना करता है तो पूछते हैं लोग अरे तुझे चाहिए क्या, तो बोलता है मुझे मेरे पापा चाहिए, उनके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो ये शब्द है ना पापा, इनकी अहमियत तभी समझ आती है। और ऐसे ही कुछ हुआ मेरे दोस्त चिंटू के साथ। अब जब चिंटू गांव से वापस आया स्कूल में तो वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बदल चुका था। वो पहला वाला चिंटू नहीं था जो कि चीटिंग के लिए हमसे पूछा करता था, जो कि बोला करता था यार मुझे दिखा दे। ये बात थी क्लास 12th की। अब चिंटू डायरेक्ट स्कूल जाता था, स्कूल से कोचिंग में जाता था, वहां पढ़ाई करता था और वहां से हॉस्टल। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। मुस्कुराता तो जरूर था बट उस मुस्कुराहट के पीछे एक गम है ना वो दिखता था। और यहाँ पर एक जाकिर खान की एक बड़ी ही प्यारी शायरी अगर आपने कभी सुनी हो तो, एक होती है सही चीज, एक होती है सही चीज,
और एक होता है मनपसंद। एक होता है मनपसंद, एक होता है सही। और जब आप मनपसंद को छोड़ते जाओ और सही काम करते जाओ तो समझ लेना आप बड़े हो गए हो। और उस दिन चिंटू बड़ा हो गया था, दिखाई नहीं, क्योंकि दिखने लगा था कि यार अब वो कितना सीरियस हो गया था और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर भी और अपनी जिंदगी को लेकर भी, क्योंकि उसे पता था कि यार अब जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरे ऊपर हैं, अगर घर चलाना है तो मुझे चलाना है। वो तैयारी कर रहा था नीट एग्जाम की, आप सब शायद जानते होंगे नीट एग्जाम, जिससे कि डॉक्टर बनते हैं। उसकी मम्मी का सपना था कि यार वो डॉक्टर बने और वो उसी के लिए तैयारी कर रहा था। सारी चीजें चल रही थी, बट कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आई जिसमें कि चिंटू की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई कि उसने हॉस्टल की 3 महीने की फीस नहीं दी थी। उसने 3 महीने की हॉस्टल की फीस नहीं दी थी और हॉस्टल वालों ने सोचा कि अब हम और इसे हॉस्टल के अंदर नहीं रख सकते। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो कि था चिंटू को हॉस्टल से निकालने का। बहुत ज्यादा स्ट्रेस था चिंटू और वो अपना बैग पैक करता है हॉस्टल से और हॉस्टल के गेट के सामने बैठता है। तभी उसकी मम्मी का फोन आता है और मम्मी का फोन जैसे ही आता है ना तो उसकी मम्मी पहला सवाल उससे पूछती है, बेटा खाना खाया? क्योंकि माँ का देखो पहला सवाल तो यही होता है कि बेटा खाना खाया या नहीं खाया। उन्हें और चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि एक वो लाइन भी थी ना, क्या कमाया क्या गवाया, क्या कमाया क्या गवाया, फर्क नहीं पड़ता एक माँ के लिए तो, बेटा तूने खाना खाया? उससे बहुत फर्क पड़ता है। आज जरूर मेरी मम्मी यहाँ है, बट अगर मेरी मम्मी यहाँ नहीं होती और इवेंट अभी चल रहा होता, मैं अभी भी फोन मिलाता तो सबसे पहले मम्मी यही सवाल करती, अरे इवेंट छोड़ तूने खाना खाया नहीं खाया? और शायद आपके साथ भी यही कहानी है। तो चिंटू अपनी मम्मी से बात करता है एंड उनकी मम्मी के जो कुछ शब्द थे वो कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट करते हैं। उसकी उम्मीदें जो बिखर चुकी थी पूरी तरीके से, उस उम्मीद को उसकी मम्मी कहीं ना कहीं समेट देती हैं और उसके अंदर फिर से एक जोश आता है कि यार छोड़ के नहीं जा सकता यार, वापस गांव जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अब एक सपना जब देख लिया है तो सपने को पूरा करके जाऊंगा। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, उसे नहीं पता था कि हॉस्टल से बाहर निकाल दिया है, उसे कुछ नहीं पता था, बट बस उसे इतना पता था यार कुछ ना कुछ तो करना है। और एक वो लाइन होती ना, जहां चाह है वहां राह है। तो जब वो हॉस्टल से निकला तो कुछ समय बाद ही एक हमारे टीचर थे, उन्हें पता चला चिंटू की कंडीशन एंड उन्होंने बोला कि यार चिंटू तू टेंशन मत ले, तू आ जा मेरे घर पे, मेरे घर पे रह, मेरे घर पे खाना खा, अपनी पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन चिंटू को समझ आया कि यार एक टीचर जो होता है ना वो भगवान की तरह होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज शायद आपने भी देखा होगा, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपके खुद के दिगराज सर हैं। जब आपके एग्जाम चल रहे थे तो वो इंसान को टाइफाइड हो रहा था, हम फोन करते थे, हम डेली बोल रहे थे सर क्या रिपोर्ट है, कहता यार अभी तो टाइफाइड है। सुबह जाते थे ड्रिप चढ़वाते थे, रात को आते थे ड्रिप चढ़वाते थे, क्लास लेते थे, 4 घंटे पढ़ाते थे। ये डेडिकेशन होती है टीचर की, ये एक डेडिकेशन है टीचर की। और उस दिन चिंटू को समझ आया कि यार एक टीचर जो होता है ना यार वो भगवान की तरह होता है। उसके बाद समय बीतता गया, चिंटू ने नीट का एग्जाम भी दिया। फिर वो दिन आ गया जो कि मेरे लिए सबसे प्रीशियस दिन था, क्योंकि उस दिन था चिंटू का रिजल्ट और मैं बहुत खुश था क्योंकि यार चिंटू का रिजल्ट आएगा, जाएंगे उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने उसका स्ट्रगल देखा था। मैं जाता हूँ अपनी स्कूटी निकालता हूँ, फटाफट से भगाते 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 चिंटू के पास लेके जाता हूँ और चिंटू से बोलता हूँ, भाई 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 हो गया ना सिलेक्शन, भाई नीट का रिजल्ट आ गया तेरा, हो गया ना सिलेक्शन, हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। चिंटू जवाब देता है, दोस्त नहीं हुआ, मेहनत करी थी पर नहीं हो पाया। उस समय पर कुछ शब्द नहीं थे मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप कुछ बोल नहीं सकते। मैंने बस उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, क्योंकि मुझे भी अंदर से पता था कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे अपने गांव वापस जाना ही पड़ेगा। बट
उस दिन एक चीज जिसका मैंने संकल्प करा वो ये था कि अगर इस देश में और भी ऐसे चिंटू है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद मैं जरूर करूंगा जब मैं काबिल बन जाऊंगा। वो उस समय पर मेरी उम्र 18 साल हुई जितना मुझे याद है। उस समय से मैं एक प्रशांत किराड़ नाम का व्यक्ति, मैंने एक मोटिव लिया, मुझे मेरा वाई मिला और फिर मैंने वहां से मेहनत करना शुरू करी और शायद आज मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया बन पाया हूं। उस चीज में समय कम नहीं लगा, करीब करीब 5 साल लग गए हैं। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चिंटू की कहानी वहां खत्म हो गई, तो दोस्त ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस इंसिडेंट के 1.5 साल बाद वही चिंटू जो कि डॉक्टर तो नहीं बन पाया था, अपने गांव भी वापस चला गया था, बट फिर भी राजीव उसने मेहनत करनी थोड़ी ना छोड़ी थी। शायद उसे समझ आ गया था कि सारी परिस्थिति उसे बदलनी है। भैया के एक दोस्त है ना जो मैथ्स पढ़ाते, एग्जाम पे एग्जाम दिए, एसएससी का एक एग्जाम होता है वो क्रैक करा और उसके बाद वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की किसी नौकरी में आ पाया और उसने अपने हालात बदले। नहीं राजीव सर तो मैथ्स पढ़ाते हैं। ये जो पूरी चिंटू और मेरी कहानी थी ना, इससे आज 3 चीजें जो आप सीख के जाओगे वो पता है क्या है? चिंटू को देखा था, हार मानी उसने नहीं, कितनी प्रॉब्लम आई उसके पास, एक बार गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा। डॉक्टर बनने का सपना था, नहीं हो पाया पूरा, कोई बात नहीं, पर उसने हार नहीं मानी, अपने घर की परिस्थिति बदली। तो चिंटू की कहानी से पहली चीज जो आज आप सीख के जाओगे वो है I will never give up। एक बार मेरे साथ जोर से दोहराएंगे, I will never give up। बहुत बढ़िया, ये पहली चीज। दूसरी चीज इस कहानी से जो हम सीख के जाएंगे वो ये है, चिंटू को देखा तुमने, उसके पास कुछ भी नहीं था बट फिर भी जीवन में कितना खुश था। गांव से आया हुआ लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, पापा की डेथ हो जाती है बट फिर भी हार नहीं मानी, फिर भी हमेशा खुश रहता था। और ना जाने यहां पर कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास जीवन में बहुत कुछ है बट फिर भी कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। आज भी यहां पर कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि पापा से जिद कर रहे हैं, मम्मी से जिद कर रहे हैं, पापा वो एक आईफोन हो जाता तो एक स्कूटी हो जाती, एक बाइक हो जाती। वो चिंटू जिसके पास कुछ नहीं था दोस्त, उसने फिर भी हार नहीं मानी और वो फिर भी हमेशा खुश रहता था। तो दूसरी चीज जो आज आप सीख के जाओगे वो है I am grateful। एक बार मेरे साथ जोर से दोहराएंगे, I am grateful। और आखिरी चीज जो कि चिंटू और मेरी कहानी से तुम सीख के जाओगे, स्पेशली मेरी कहानी से तुम सीख के जाओगे, कोई नहीं, जिस दिन ये चिंटू वाला इंसिडेंट हुआ था उस दिन मैंने ग्रैंड संकल्प करा था कि मुझे यहाँ पर काम करना है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, मुझे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना है। वो डिसीजन बहुत बोल्ड था, ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन आसान था। आज आप किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेंगे शांत भैया तो ओवरनाइट सक्सेस है, बोलते होंगे लोग कि 1-2 साल में ही ये तो यहां से यहां आ गए। बट जो पिछले 5 साल हैं उसमें मैं जानता हूं कि कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, कितनी चीजें मैंने जिंदगी में मिस करी अपने गोल के लिए, और उसके साथ साथ कितनी मैंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस करा उस चीज के लिए। जहां पर लोग 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, उस समय पर कॉलेज का एक 20 साल का लड़का 18-18 घंटे भी काम कर रहा है। तो जो तीसरी चीज जो तुम मुझसे सीख के जाओगे वो है I am fearless। एक बार
जोर से दोहराएंगे, आई एम फियरलेस। ये हुई बात, ये तीनों चीजें याद रखना, ये थी चिंटू और मेरी कहानी। बट एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया चिंटू की कहानी का। अगर तुम्हें लग रहा है कि चिंटू की कहानियां खत्म हो गई दोस्त, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो महबूबा याद है, महबूबा याद है। तब चिंटू आज से अराउंड 8 या 10 महीने पहले की बात है। अब भाई चिंटू हमारा थोड़ा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गया, उसके साथ साथ जो हमारा चिंटू था वो गवर्नमेंट पोजीशन पे भी काम कर रहा है बढ़िया। तो वो जो महबूबा थी उसका टेक्स्ट आता है, रिमेम्बर मी, मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई किया करती थी, और बहुत बड़ा टेक्स्ट आया और लास्ट में लिखा आया है कैन वी टॉक। तो भैया चिंटू ने रिप्लाई करा, बात तो मैं कर लूं पर तुम मुझे अफोर्ड नहीं करोगी। ऑन दिस नोट टुडे एवरीवन, मेरा नाम है किसान, मजा आ गया। तो शुक्रिया एवरीवन इतनी अच्छी ऑडियंस बनने के लिए। थोड़ी देर में बिल्कुल थोड़ी देर में तो शुक्रिया एवरीवन यार। और अब इनवाइट किया जाए, किसको इनवाइट किया जाए यार, तुम भी बता दो यार किसको। रुको, रुको, इनवाइट करते हैं, पहले पूछते हैं इस रो से किसको इनवाइट किया जाए। शोभित भैया कर रहे हो यार तुम, इधर से बताओ दिग्रोथ सर, बताओ भाई किसको इनवाइट किया जाए भाई, बुला ले उनको, बुला ले उनको, पूछो सर दोनों को बुला लो, पूछो उनको। अब पता नहीं कहाँ चले गए तुम्हारे शोभित भैया, दिग्राज सर मिल ही नहीं रहे, कहाँ हो गए। तो चलो फिर जोरदार खतरनाक धुमाधार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं तुम्हारे शोभित भैया को। भाई 15 मिनट का टाइम था यार, ओवर टू यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो अब ये स्टेज अपना है, तो सबसे पहले तो सभी जो बच्चे हैं उनको हेलो और पापा मम्मी को नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप सभी टाइम निकाल के यहाँ पे आए, मुझको पता है आपके बच्चों ने बिल्कुल ऐसे परेशान कर दिया होगा कि चलना है, आप भी कह रहे होंगे यार परेशान कर दिया। तो थैंक यू सो मच मैम, सॉरी एक तो जितने भी पेरेंट्स परेशान हो उनके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी जो मेरे को जितना मेरे को ये दे देते हैं तो उसी में मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूँ आपसे। वैसे जो मेरी सरकार चलते हैं वो चलते हैं 1.5 घंटा है ना, पिछली बार मैंने जब तालका ड्रोना करा था वो 3 घंटा चल गया था, क्योंकि उस समय क्या था फिर मैं अकेला था। अब मेरे साथ मेरे और दो दोस्त भी हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो हम 15-20 मिनट में काम चला लेंगे। आप में से मैक्सिमम बच्चे इस समय ऐसे हैं जो 10th से 11th में जा रहे हैं, कितने बच्चे 10th से 11th वाले, ठीक है 9th से 10th वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, और 8th वाले भी होंगे कुछ बच्चे, छोटे बच्चे भी 11th 12th वाले भी बच्चे होंगे है ना, 11th 12th वाले बच्चे भी हैं, ग्रेट पास आउट भी है। बिल्कुल मैम बिल्कुल कोशिश करूंगा भैया 11th में मैथ्स पढ़ा दो। अरे भैया 11th में मैथ्स पढ़ा दो। भाई देखो मेरे को 10th में पढ़ाया था चाचा ने, ठीक है वो मेरी अच्छी थी। अब 11th का ही मैं आपको थोड़ी बहुत जल्दी सुनाऊंगा, आगे धीरे धीरे शुरू करेंगे, अभी मैं कमिट नहीं कर सकता, पर हाँ मैं कोशिश करूंगा 11th की मैथ्स के लिए। अब देखो मैं आपको थोड़ा बहुत अपने जैसे आप 10th से 11th में जा रहे हो, तो 10th से 11th में जाने की क्या आपकी जर्नी होने वाली है थोड़ी सी मैं आपको अभी झलक दिखाने वाला हूँ। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, मैं डराना नहीं चाह रहा किसी को भी, ठीक है मैं सिर्फ अवेयर कराना चाह रहा हूँ। तो मैक्सिमम बच्चों को आपने से पता होगा
कि जब मेरी 10th के एग्जाम खत्म हो गए थे उसके बाद मेरे को पापा मम्मी ने कहाँ भेज दिया था? कोटा। अब कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जाओ और पत्थर हवा में फेंको तो किसी ना किसी बच्चे पे ही लगेगा। इतने बच्चे होते हैं वहां पे, मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो मैं वहां पे पहुंचने के बाद मैंने देखा यार यहाँ तो इतने बच्चे हैं यार, कोई स्टेट टॉपर है? मैं तो पूछता कि भाई चलो 10 CGPA लेके आ गए, तो मैंने पता नहीं क्या ही उखाड़ के रख दिया। वहां पे कोई बच्चा है जो स्टेट टॉपर है, कोई बच्चा है जो भाई असम टॉपर है, कोई बच्चा है उसको अलग से स्कॉलरशिप मिल रही है वो आया हुआ है, किसी बच्चे ने 100% स्कॉलरशिप ले रखी है, मैं कोचिंग में 1.5 लाख रुपए पढ़ रहा हूँ वो पूरी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। तो वहां पे जाके मेरे को ऐसा कॉम्पिटिशन फील हुआ कि शुरू के 1-2 महीने तो मेरे को पता ही नहीं चला कि चल क्या रहा है। आप में से अभी जितने भी बच्चे 10th से 11th में जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप अभी से तैयार रहो। मैं तैयार नहीं रह पाया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक अगर मैं आपको ग्लिम्स दूं कि 11th में क्या होने वाला है, मैं आपको मैथ्स का ही बता देता हूँ, है ना, और तो मेरे को और कुछ पता ही नहीं है, मतलब पता तो है पर अभी याद नहीं है। आपने पहली से लेकर 10th तक जितने सवाल करे होंगे उतने ही 11th के पहले महीने में कर लोगे। आप 11th में जाके पहले महीने में कर लोगे, ठीक है? ये सारी बजाने वाली बात नहीं है बेटा, सॉरी मैं कह रहा हूँ ताली बजाने वाली बात नहीं है, अभी पहुंचोगे फिर पता चलेगा। तो ये अवेयर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही पहुंचा, 11th मेरी शुरू हुई, मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे को उन्होंने नंबर के हिसाब से A1 A2 बैच जो होते हैं, क्योंकि 4 ही बैच थे, तो उन्होंने A1 A2 बैच में मेरे को डाल दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब टॉप बैच में हूँ। तो जब मैं वहां पे A2 बैच में गया, 3-4 महीने हुए, 3-4 महीने के बाद हमारे टेस्ट वगैरह हुए, टेस्ट में होने के बाद उन्होंने हमारी शफलिंग कर दी। शफलिंग का मतलब ये होता है कि आपके नंबर के हिसाब से आपको बैच मिलेंगे। तो हमारे कोचिंग वालों ने क्या करा कि 20 बैच बनाए, A1 से लेके A7 A8, फिर C1 से लेके C7 C8, फिर उसके बाद A1 से लेके A7 A8, B1 से लेके B7 B8, फिर C1 C2 C3 C4 इस तरह से। मेरे को बैच मिला C7, मेरे ऐसे नंबर आए थे, मेरे ऐसे नंबर आ रहे थे। क्या शुरू के 3-4 महीनों की जो मेरी प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से, मतलब आप ये समझ सकते हो कि मैं बिल्कुल खत्म था 3-4 महीने। अभी मैं मजाक में बोल रहा हूँ पर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं गंजा हो गया था। मैं एकदम गया बार्बर के पास, मैंने कहा भाई एक तो ये हटा, ये बहुत टेंशन दे रहे हैं, वैसे ही कम टेंशन है, इसको और सवार लूं मैं। तो मैं गंजा, मेरी माताश्री मुझे गंजा होने के लिए बोलती है, ऐसे सोचने लग गया यार ये तो कुछ नहीं होने वाला, चले जाते हैं, मेरे से नहीं निकलने वाला जेई वगैरह। मैं गंजा होके क्लास में पहुंचा, क्लास में हमारा क्या होता है, सर थे हमारे काफी फेमस कोटा में है, फिजिक्स के टीचर है GDS सर नाम के, उनकी क्लास में क्या होता है ना, अगर 200 की कैपेसिटी है तो उनकी क्लास में 600 बच्चे बैठते हैं, वो इस लेवल के फिजिक्स अच्छी पढ़ाते हैं। तो जैसे सीट खाली होगी तो नीचे बैठ गए, मैं यहाँ बैठता था, वो यहाँ पढ़ाते थे, तो मैं ऐसे देख के पढ़ता था। तो अब उनको पता है भाई जो बिल्कुल चढ़नों में बच्चे बैठ रहे हैं उसका तो उनको शक्ल पता ही होगी, तो अगले दिन मैं गंजा हो गया। तो उन्होंने कहा तेरे को क्या हो गया? मैंने कहा सर कुछ नहीं। तो समझ गया कि यार मूड ऑफ है, कह रहे ठीक है तू क्लास के बाद मेरे को मिल। तो मैं क्लास के बाद बाहर जब सर गए तो मैं सर से जाके मिला, मैंने सर को बोला, सर ने बोला क्या हुआ, और एकदम मेरे को आंसू होने लग गए शुरू कि सर पता नहीं क्या हो रहा है सर, शुरुआत तो अच्छी हुई थी शुरू के 1-2 टेस्ट में। शुरू के 1-2 टेस्ट जो होते हैं ना ये कोचिंग वाले जानबूझ के बहुत आसान करवा देते हैं, क्यों, इससे क्या होगा 30 दिन का आपका पीरियड होता है रिफंड का, ठीक है, तो ये क्या करेंगे 29वें दिन एक आसान सा टेस्ट देंगे, सब बच्चे के अच्छे नंबर आ जाते हैं, बच्चों को लगता है बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, भाई साहब पापा AR वाला तो मिली है, तो फिर कोई रिफंड भी नहीं लेता। ये टेक्निक होती है मार्केटिंग टेक्निक से उनकी। तो मेरा पहले टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आया, मैंने तो सर पहले टेस्ट में 360 में से 300 नंबर लिया आया था, और पता नहीं सर अब क्या हो रहा है, अब तो 80 नंबर भी नहीं आते, 70 नंबर भी नहीं आते सर, इतनी मेहनत करता हूँ सर, कोई डिस्ट्रैक्शन के लिए फोन भी नहीं है मेरे पास, बाकी और कोई चीज में भी नहीं लगा पड़ा हूँ, पढ़ाई पूरे दिन करता हूँ, पता नहीं क्यों कम नंबर आ रहे हैं। बहुत चीज बोली, बहुत चीज़ सर, सुबह शाम लगा रहता हूँ, कम सोता हूँ, मेरे आसपास वाले बच्चे हम इतना ज्यादा सोते रहते हैं, मैं जब भी इतनी मेहनत करता हूँ क्यों नहीं हो पाता। तो सर ने सब चीज़ सुनी और उस मोमेंट पे सर ने मेरे को एक बात बोली कि शोभित देख मेरे को पता है तू मेहनत कर रहा है, करता रहे कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, बस इतना बोला और सर चले गए। ऐसे मोमेंट्स पे जब आप बिल्कुल टूटे हुए हो, जब आप बिल्कुल गिवअप करने के लिए बैठे हुए हो, तब आपको आके कोई बस ये बोल देना कि यार तू टेंशन मत ले यार, तू करता रहे हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहा है, कोई इतना बोल दे बस, इतना ही बहुत होता है अपने लिए, होता है। जब हम आके आपको वीडियोस में बोलते हैं आखिरी के टाइम पे
सुबह हम बोल रहे हैं, मान लो आप में से कोई एक बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे तो बात अलग है, पर आपको हम बोलते हैं कि यार टेंशन मत ले आराम से होगा, तो आपको भी अच्छा लगता है ना कि हाँ यार ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। वही चीज उन्होंने मेरे को बोली और मेरे को लगा हाँ यार चलो दुनिया में पूरे संसार में कोई ऐसा है जिसने बोल दिया कि हाँ भाई तू कर लेगा, तू करता रहे। वो अंदर से कॉन्फिडेंस आया, मैं घर गया। रक्षाबंधन का टाइम था, दो दिन की छुट्टियां थी, तो सब बच्चे अपने घर जा रहे थे। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। एक अंदर से स्पार्क आया, पता नहीं जीवन में ना, अभी तो शायद अपनी 8th, 9th, 10th क्लास है, 11th, 12th और आगे लाइफ में ना एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब लाइफ में ना एक स्पार्क आता है, मेरे को भी नहीं पता कहां से आता है, बस आ जाता है कि यार अब तो कुछ करना है। उस मोमेंट में ये समझ जाना कि वो स्पार्क लेके ना बस लग जाओ। उस समय भाड़ में जाए हेल्थ क्या हो रही है, उस समय भाड़ में जाए खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, उठ रहे हो कितनी देर उठ रहे हो। मैंने सोचा मैं दो दिन घर नहीं जाऊंगा, दो दिन की रक्षाबंधन की छुट्टी है, यहीं बैठूंगा, सारा सिलेबस खत्म करूंगा और अगले टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आऊंगा। अब उस मोमेंट पे भाई सब बच्चे जा रहे थे घर पे, तो मैं घर यहीं पे बैठा रहा अपने हॉस्टल में। तो मैंने कहा यार जितना सिलेबस है उठाते हैं, सारा कवर करना शुरू करते हैं। शुरू से मैंने सिलेबस उठाया, मुझे नहीं पता मैं कितने घंटे सो रहा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं कितने घंटे उठ रहा हूँ। ऐसा मतलब पागल से हो गए थे कि 3 घंटे सो लिए, फिर उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे उठ के पढ़ लिए, फिर 3 घंटे सो लिए, 4 घंटे 5 घंटे उठ के पढ़ लिए, इस तरह से कि भाई कम टाइम हो। मैं खाना जाके जल्दी दिखा लेता था मैस में कि भाई टाइम बच जाना चाहिए। मेरे रूम के सामने एक और लड़का रहता था कृष्ण नाम का, उसको पता चला ये रुक रहा है, तो वो भी कॉम्पिटिशन के लिए कह रहा कि मैं भी रुकूंगा, तो उसकी और मेरे में कॉम्पिटिशन लगता था कि कौन कितना ज्यादा पढ़ पाएगा, कौन कितना ज्यादा घंटे पढ़ेगा। आंखों के नीचे विक्स लगा ली, बाम लगा ली कि सोना नहीं हो, नींद ना आए, वो अलग लेवल का पागलपन था। मैं ये नहीं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि मैं बोलना चाह रहा हूँ वो जो स्पार्क है ना उसको बस यूज कर लेना। वो दो दिन मैंने भाई अलमारी पे लिख लिया सारी रिएक्शन। ऐसे पागल होते हो आप टॉयलेट पॉट पे बैठे हो जब भी सोच रहे हो पता नहीं कौन सा एग्जाम पे कौन सा सवाल आ जाए पढ़ लेगा। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ किस लेवल पे पागलपन हो गया था। मतलब मेरे को सुबह मम्मी उठाने के लिए कॉल करती थी, 7 बजे उनका कॉल आता था, उन्हें क्या पता मैं तो सोई 6:30 बजे रहा हूँ, तो उनका 6:30 बजे मैं सो, 7 बजे होंगे कॉल आ गया। अब मैं ऐसे नींद नींद में उठा रहा हूँ, मैंने कॉल उठाया, मैंने कहा हाँ मम्मी एक्स की वैल्यू 4 रन आंसर आ जाएगा। ये मेरे को फिर एक इंसिडेंट होता है। तो इस लेवल पे मेहनत करनी शुरू करी, दो दिन सारा सिलेबस जितना हुआ था 4-5 महीने में सारा निपटा दिया। सारा निपटाने के बाद मैंने कहा अब जो है टेस्ट है उसमें अच्छा करके आऊंगा। बच्चे वापस आ गए जितने भी हॉस्टल में थे, अगले संडे को टेस्ट था, पिछले जिस दिन टेस्ट था उसके पिछली रात पूरी रात उठ के अच्छे से अपने जितने भी थी फॉर्मूला वगैरह थे वो रिवाइज करा, गया मैं टेस्ट देके आया। टेस्ट देने के बाद आके मैं घर पे हॉस्टल में अपने आके रूम में बंद करके अंदर बैठ गया। मैंने नंबर गिने, मेरे नंबर बने 360 में से 120, कोई अंतर नहीं है, 70-80 नंबर आते थे, 120 बने। पर उस टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को अंदर से खुशी हुई। नंबर अच्छे नहीं थे, मैं सामने एकदम गेट खोला, मैं गेट खोल के सामने गया क्रिश के रूम में, क्रिश का लड़का था नाम था उसका, मैं अंदर गया रूम में, मैं उसके गले लगते रोने लग गया। तो उसने सोचा भाई इसने तो 360 में से 360 उसने कहा अरे भाई शोध क्या कर दिया यार, कितने नंबर आए। मैंने कहा भाई 120 आए। अब उसके 260 आए थे, बात अलग है, पढ़ने में अच्छा था। तो मैंने कहा भाई 120 आ रहे। उस समय एक चीज मेरे को पता चली, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपका 10वीं का रिजल्ट आने वाला है कुछ टाइम में आएगा। अरे भैया क्यों बोल रहे हो यार, पापा बैठे हैं। आपका 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ, भाड़ में जाए रिजल्ट। 120 नंबर बन रहे थे उस समय, मैंने पता क्यों पूछा, क्योंकि मेरे को पता था मैंने उस समय पे जितनी मेहनत करी थी ना उससे ज्यादा मेहनत कर ही नहीं सकता था। वो 100% छोड़ो, मैंने 150-200% दे दिया था, उससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, नहीं हो सकता। तो इस समय पे जब आप लोग हमारे साथ उठ के 4 बजे लाइव सेशन ले रहे थे ना, मतलब हेड्स ऑफ भाई साहब, किसी को जाके बोलोगे ना सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो एग्जाम मानेगा नहीं। तो वो तो मेहनत तुमने करी है ना वो याद रहेगी, नंबर तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। तुम्हारे SSC में 4 साल बाद कितने नंबर आए थे, मैच में 4 साल बाद कितने नंबर आए थे, 4 साल बाद तुमसे कोई पूछेगा बता साइंस में कितने नंबर आए थे, याद नहीं रहेगा। ये याद रहेगा कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करा था। कुछ बच्चे तो पूरी रात उठे हुए थे, हमारे पास मैसेज आए थे, कुछ बच्चे पूरी रात उठे हुए थे कि भैया ना सुबह 4 बजे सेशन है उठ के पढ़ेंगे। मेहनत तुम करते हो ना ये काम है। अभी इस मोमेंट पे मैंने जो समय पढ़ा, मेरे को फिजिक्स में मैंने क्या पढ़ा, मैंने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, मैंने मैथ्स में क्या पढ़ा,
मैंने फिजिकल एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ा, मैंने अपनी चार साल की इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा, मेरे को कुछ याद नहीं रहता। मुझे ये याद रहेगा कि हाँ यार मेहनत करनी आती थी। आज भी आपको शायद एक इंसिडेंट पता हो नहीं पता हो, जिस दिन हमने नेक्स्ट टॉपर्स लॉन्च करा था उस दिन क्या हुआ कि पहली बार जब वीडियो गई तो हमारा ऐप क्रैश हुआ। नॉर्मल सी बात थी, हमें पता था। जब ऐप क्रैश हुआ उस दिन रात को हमारा जो ऐप प्रोवाइडर थे, जो हमारी टेक टीम थी, उन्होंने बोला कि पिछली टेक टीम की बात करो, नई टेक टीम ही बैठी है सर मैं पिछली की बात करूँ, तो जो हमारी पिछली टेक टीम थी उन्होंने हमें बोला कि सर ये नहीं झेला जाएगा, आप चेंज कर दो, नई टेक टीम ले आओ। जिस दिन हम कोर्स लॉन्च कराया उस दिन की बात है, आप तक तो हमने भनक भी नहीं पहुंचने दी थी। उस दिन हमें रात को ये बोला गया, रात को ही 4-5 बजे की बात है, हम दूसरी टेक टीम के पास गए हैं, हम तीनों, मैं, प्रशांत भैया आपके दिग्राज सर, दूसरी टेक टीम के पास गए हैं, सुबह सुबह उनके ऑफिस में पहुंचे हैं, अगले दिन पूरे दिन वहां पे रहे हैं, पूरा ऐप हमने चेंज करवाया। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें क्या फिजिक्स लग रही है इसमें, क्या केमिस्ट्री लग रही है इसमें, क्या मैथमेटिक्स लग रही है इसमें, कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ एक चीज लग रही है कि मेहनत करनी आती है। मेहनत करनी सीखी थी उस समय पे, पूरी रात भर उतना सीख लिया था उस समय पे, वो काम आएगा। अभी जो तुमने 10वीं में पूरी रात भर बैठ के पढ़े हो, पागलों की तरह पूरे आखिरी के दिन पढ़े हो, ये जो मेहनत है ना ये याद रखोगे, अब बाद में तुम्हें कोई बोलेगा ना थैंक यू सो मच, तो ये जो मेहनत करना तुम सीख रहे हो ना ये बाद में काम आएगी। तुमसे कोई कहेगा ना कि यार तेरे को पूरी रात बैठ के काम कंप्लीट करना है, तुम कहोगे कर लो, तुम कहोगे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सीख रखा है ना यार, ये काम नहीं करा था, काम ये नहीं करा था, पर उठना सीखा था। तो सिंपल सी ये चीज है, तुम सब जा रहे हो 11वीं 12वीं में, जितने भी बच्चे आगे जा रहे हो बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैंने शुरुआत करी थी 10वीं में, सोचा था पता नहीं फिर पायलट वायलट बन जाऊंगा, फिर उसके बाद 10वीं में जब आसपास सबने देखा कि भाई सबसे पता चला कोटा IIT, हम भी भेड़चाल में चले गए, ठीक है यार IIT कर ले, पहुंचे वहां पे 11वीं 12वीं में पढ़े, 11वीं ऐसी निकली, 11वीं में जब सब चीज सीखी, ये जो मेहनत करनी सीखी उसको 12वीं में अप्लाई करा, फिर उसके बाद JEE एडवांस तो क्रैक नहीं हुआ मेरा, IIT नहीं मिली, मेंस क्रैक हुआ, मेंस क्रैक होने के बाद मैं इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग में करने के बाद मैंने 4 साल के बीच में ये चीज उठा ली, अब मैं टीचिंग कर रहा हूँ, बीच में मैंने कुछ और पढ़ाई शुरू कर दी। तो जरूरी नहीं है जो तुम 10वीं में चीज सोच रहे हो या 11वीं में तुम चीज सोच रहे हो, जिस चीज में तुमने एडमिशन लिया है, जरूरी नहीं है तुम वही चीज आगे जाके करोगे। बीच में अगर तुम्हें कभी भी लगे कि नहीं हो पाएगा तो दो ऑप्शन है, या तो भूल जाना रिजल्ट के बारे में, बस अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, या फिर चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पता है हमारे देश में अगर कोई बच्चा साइंस ले ले या कॉमर्स ले ले या आर्ट्स ले ले, वो बच्चा बीच में अपनी स्ट्रीम चेंज करने के लिए कहे तो उसको गलत नजर से देखा जाता है, असली लेजेंड है वो, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि यार ठीक है ना ये रास्ता नहीं है मेरे लिए, मैं दूसरा रास्ता कर लूंगा। तो कभी भी शर्माना मत, कभी मत शर्माना, पापा मुझसे बिल्कुल साफ बोलना, अरे दो थप्पड़ पड़ेंगे क्या हो गया, आगे के 4 साल तो सही आएंगे, आगे का जीवन तो सही जाएगा, पीयर प्रेशर में रह के ये सोच के कि सोसाइटी क्या सोचेगी, एक बंदा काम नहीं आएगा, एक बंदा काम नहीं आएगा। आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ में जितने लोग रहते हैं, आपके जितने रिश्ता रहते हैं, बहुत काम आएंगे आपको, कोई काम नहीं आएगा। आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख के कोई खुश नहीं होएगा, गारंटेड बात बता रहा हूं। एक टाइम था, पहले शायद आपके मम्मी पापा को पता होगा, एक नाटक आता था सास भी कभी बहू थी, आपके पापा मम्मी को पता होगा, इतना फेमस, मतलब सब चीज छोड़ छाड़ के पूरा परिवार वो छोटे से VCR टीवी में वो देखते थे। क्यों फेमस था वो? इसलिए फेमस था क्योंकि उसमें जो चीजें दिखाई जाती थी ना वो रिलेटेबल थी, उसमें दिखता था उसने उठाई चीजें और उठा के फेंक दी कढ़ाई, उसका सर फूट गया, तो हमारे घर वाले लोग देखते थे अरे यार इनके घर में और हमारे घर में भी यही हो रहा है, बढ़िया है यार, शो तो बहुत अच्छा है, इनकी भी देवरानी जुटानी में लड़ाई चल रही है भाई साहब, हमारे भी चल रही है, साथ में लड़ाई चल रही है हमारे भी, क्या हुआ यार भी बड़ा फेमस हो गया। तो आपके आसपास वाले चाहे दोस्त हो गए या आपके कितने ही करीबी हो गए, आपके मम्मी पापा आपके कितने करीबी हो गए, वो आपको आगे से बोलेंगे हाँ भाई बहुत खुश है, हाँ भाई बहुत खुश है, अंदर से जाएंगे जैसे हम हैं वैसे ही हो जाए, बिल्कुल मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है।
आज उन्हीं मामा चाहता था कि सबके लड़के हमसे पढ़ रहे हैं। पॉइंट भी जो स्क्रीन चूज कर रहे हो, जो भी चीज चूज कर रहे हो, टेंशन नहीं लेनी, मन से आ रहा है, गट फीलिंग आ रही है, चूज करें, घुस गए। एक महीना देखा, दो महीना देखा, तीन महीना देखा, अच्छी लग रही है, कंटिन्यू करो। नहीं अच्छी लग रही, अपने आप से पूछो, क्या मैं रिजल्ट के लिए इतना पागल हूं या मैं मेहनत करना चाहता हूं? मेहनत करना चाहते हो बस लगे रहो, कुछ ना कुछ रास्ता भगवान ने निकाल रखा है, पहुंचा देगा। वरना अगर लग रहा है कि नहीं यार भैया साइंस ले ली थी या कॉमर्स ले ली थी, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कॉमर्स में चले जाता हूँ, मैं आर्ट्स में चले जाती हूँ, मेरे को तो वहां पे ज्यादा स्कोप दिख रहा है अपने लिए, नहीं पता चलता ना यार, अभी 14-15 साल के बच्चे, हमें क्या पता जीवन में आगे क्या करना है, सोसाइटी बता देती है पता क्या करेगा, पता इंजीनियर बनना है, पता डॉक्टर बनना है, दो ही ऑप्शन देती है, देगी दो ही ऑप्शन, फिर होता है कि पता क्या करना है, इंजीनियरिंग नहीं डॉक्टर करना, इंजीनियरिंग डॉक्टर, नहीं पता भैया। तो जो भी सही लग रहा है उसमें जाओ, बीच में ऐसा लग रहा है चेंज करने का कर लो, कोई बोल रहा है बोलने दो, 4 साल बाद अपने आप औकात बना लोगे, ठीक है? अबे यार तुमने मोटिवेशन करके और इनकी बातें कर रहे हो, बिल्कुल आप सब बताना, ये सब बताना, बोलो बोलो। पोस्टर बना रहा था तो ना, मैंने अभी वॉलंटियर्स को दे दिया, तो वही मैं था कि दिग्राज से फिर कभी मिल पाऊंगा मैं, अब तो आगे बढ़ रहा, तो उनके लिए मैंने पोस्टर बनाया था, और वो भी मतलब नहीं, 5:30 तक मैं जगा, मैंने फिर मैं सो गया, मैं माँ को बोला कि माँ मुझे 8-9 बजे तक जगा दीजिएगा, फिर सुबह निकल जाएंगे, नहीं तो आगे का सीट मिला, बोल ली मामा। थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए फिर से, है ना, जो चीज बताइए उसको दिमाग में रखना, ये मत सोचना कि बस काम से, अगर सर आ गए हैं तो हम बुलाएं। इलेवन की मैच का मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा चलो एक सेल्फी वीडियो ले लेता हूँ मैं अकेले, बैठ जाओ, ठीक है? दो चीजें बोलेंगे, एक तो जो वीडियो के एंड में बोलते हैं वो, और एक तो मैं बोलेंगे, अरे बैठ जाओ यार ऐसे मत लाओ भाई, वो कैंसिल करवा दे, पीछे मैनेजमेंट कैंसिल करवा दे, सही में एक बार हो जाए फिर उसके बाद कर देना। अभी दिग्राज सर भी तो आ रहे हैं आपके, दिग्राज सर भी तो आ रहे हैं, एक बार पहले दो चीजें मिले, पकड़ना उसे, मिले नहीं मिले, मिलेंगे इतनी भीड़ में, तो ठीक है, पता है ना सबको, पता है ना सबको क्या बोलना है, पहले जो वीडियो के एंड में बोलते हैं वो चीज, ठीक है? तो तब तक के लिए भाई, पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा दे रहा और आग लगा देनी है। अब दूसरा वाला जो इंट्रो होता है अपना, ठीक है, मैं बोलूंगा 10th मतलब, इसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगा बोलो, ठीक है? फोटो देख दिग्राज सर को ऐसे लग रहा है पकड़ के ला रहे हैं, ठीक है? 10th मतलब शोभित भैया, चलो दिग्राज सर आ गए, दिग्राज सर से बात करो, ये क्या हो रहे बच्चे यार, भैया बहुत सारा हमारे पास समय, बहुत सारी बातें, आराम से भैया यार वो सॉरी, मैं सबसे बात करूंगा, पॉइंट ये है, सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी, सुनो भद्रा में एक दो बच्चा गिर गया, लग गई तो किसकी जिम्मेदारी है, आराम से बैठ जाओ, मेरे पास बहुत कुछ बताने के लिए, और वो बताऊंगा तो शायद प्यास भी लग रही है यार, मम्मी लोग मिल भी नहीं रहे, तो जस्ट पहली चीज प्यार नहीं पड़ेगा कोई लड़कियां खास करके, मैं फोटो वगैरह सब लूंगा, प्लीज
देखो क्या प्रॉमिस हुआ था। यार वैसे थोड़ी तमीज से तो भगाओ, भगा भी रहे हो तो मैं चले जाऊंगा उससे फिर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा। प्यार से ले जाओ यार। देखा मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखो। देखा तीरा सर कहते प्यार से बोल रहे हो। यार यार प्यार नहीं पड़ना कि मैं जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, इधर आओ। रो रही है लड़की। बनाए सारी चीजें खराब हो जाएगी। क्या हो गया, क्या समस्या आपको? हमें समस्या में नहीं तो समाधान निकालते हैं। आराम से बहुत सारी बातें करना है मुझे आपके साथ में। एक और चीज, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में लड़कियां पैर पड़ती है, हमारे यहाँ पैर नहीं पड़ती है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती, पैर मत पड़ना मेरे लड़कियां। लड़के तुम पढ़ो, देता हूँ तुम्हें आशीर्वाद। तुम लोगों को भी है दिक्कत जाएगी, मैनेजमेंट वाले लोगों को दिक्कत जाएगी। हम्बल इंटरेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ के। मेरी मम्मी बोलती है लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते। क्लास लेवल पे भी बात कर रहे हैं। नहीं, बिहारी यूपी के नहीं है। किस चीज पे बात कर रहे हैं वो बताओ, हर चीज पे बात करेंगे। सेल्फी भी ले लेंगे, ठीक है? और सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेंगे, अदर लव भी लेंगे, ठीक है? सारी चीजें करेंगे। पॉइंट भी नोट कैसे बनाना, अरे साल भर पढ़ाई करते हैं, आज सिर्फ बात करेंगे, उसी के नोट पे भी बात करेंगे, ठीक है? सर जी जी मैम, लेगी जो इलेवेंथ इलेवेंथ लगा रही है। इकोनॉमिक्स तो होगी ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। यार देखिए वो जरूर ना है। थैंक यू मैम, मुझे बहुत कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। पॉइंट भी कि अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं सुना पाऊंगा, और उसके लिए आपको शांति से बैठना होगा अपनी जगह। इधर आवाज आ रही है आखिरी में, इधर इधर इन आंखों में मैं जी भर के सपने जी के जाऊंगा। शर्त यह है कि तुम मेरे उस सपने को जीने में मेरी मदद करना, बैठ कर सुनना, 15 मिनट लूंगा बस तुम्हारे। बोर तो नहीं हुआ? एनर्जी कैसी है? चलो अब मुझे कुछ लग रहा है कि ना एनर्जेटिक है। तो पॉइंटिंग क्या है ना कि YouTube पे इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 5 years। पिछले 5 सालों से मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले 3-4 साल ऑफलाइन पढ़ाया है। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, मतलब अपने स्मॉल होम टाउन से निकल के भोपाल आ गया, भोपाल आई विश मेरे पेरेंट्स भी यहाँ होते, लेकिन मैं पेरेंट्स को ला नहीं पाया कुछ काम के कारण से। तो मुझे पता है कभी ना कभी बाद में इस वीडियो को देख लेंगे। तो भोपाल से मैं, मतलब जैसे भोपाल आ गया अपने फर्स्ट ईयर में, 3 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, 4 साल ऑफलाइन पढ़ाया, 1 साल ऑन एंड ऑफ था, और 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स था, 5 ऑनलाइन बैच निकल गए। अब बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो कहता है कि हम शायद जब से पढ़ रहे हैं,
कोई ये भी बोलते सर मैं थर्ड से पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे ध्यान आता है मैंने तो पढ़ाना ही सिक्स से चालू किया था थर्ड क्लास से, तो मतलब थर्ड क्लास में तो वीडियो बनाई नहीं, सिक्स से बनाया, लेकिन मेरे बच्चे कहते थे मैं थर्ड से पढ़ रहा हूँ, मतलब ठीक है भावना है। तो जी जी मैम, हाँ ये एक पॉइंट है मैंने साइन किया जी 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 क्लास सिक्स से, यस ठीक है। तो मतलब अभी अगर हम गिफ्ट देने लगे कि कौन सबसे पहले से पढ़ रहा है तो शायद बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट देना पड़ जाएंगे, तो इसके लिए नहीं देते। तो दी पॉइंट नहीं कि आप यूट्यूब पे इतने समय से देख रहे हैं, सारे बच्चे 9, 10, 6, 7, 8 आप जिस भी क्लास में, मैं